के तुझे क्या मिला। मैंने तुम्हें बार बार कहा था लीजे, मेरे जहन से निकल गया। कैसे निकल गया तुम्हारे जहन से? इस घर को अपना घर समझा होता तो ऐसा मौका ना आता। तुम्हें पहले भी कहा था, जरूरत से ज्यादा बोझ ले रही हो तुम। अगर बाबा को कुछ होना तुम्हें, हम लोग अपना घर लेंगे। रमजा तुम ढूंढो, किसी की मदद के बगैर ढूंढो। जी, वो असल में शहरी ने ये घर खरीद लिया है। रमजा, शहरी किसी का मुलाजिम नहीं है, और प्लीज उसने जो कुछ किया ना, हम सबके भले के लिए किया है। तुम लोग प्लीज अपने घर के मसले ना खुद सुलझाया करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, बाबा मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुँच गए यार। जरा जरा मुझे दवा करके तुझे क्या मिला। सर मुझे आप देख रही है ना, मैं बिजी हूँ, बाहर इंतजार कीजिए। मैम अब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। सर मेरे लैपटॉप से कुछ फाइल्स गायब हैं, इन फाइल्स पर मैं काम कर रही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मुझसे पूछे बगैर कोई भी मेरे लैपटॉप से फाइल्स कैसे रिमूव कर सकता है? मैं कर सकता हूँ। आप मुझसे पूछ सकते थे सर, वो मेरी मेहनत थी। इस मेहनत की आप तनख्वाह ले चुकी हैं अलीजा, और मुझसे पूछ के आपने क्या छुट्टियाँ की थी? सर मैं जानती हूँ कल आपकी क्लाइंट से मीटिंग थी। हो चुकी, तब आप जा सकती हैं। मैं क्या करूं यहाँ? कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। सर आई कैन एक्सप्लेन। तुम एक बहुत कैपेबल लड़की थी अलीजे, जो बीवी बनने के बाद भूल गई कि वो कौन थी। यू वर गिवन विंग्स टू फ्लाई बट यू चोज टू क्रॉल। ऐसा कुछ नहीं है सर, और मैं जानती हूँ कि मैं आपको आपके ऑफिस में इसलिए अच्छी नहीं लगती कि मेरा हस्बैंड आपका कंपेटिटर है। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बॉस बुरे हैं। शेरी भाई से पहले का तुम्हें जानते हैं, याद करो कितना अप्रिशिएट करते थे तुम्हें। चलते हैं वो मुझसे, और तुम क्या जानती हो बिजनेस के बारे में, उनके मसलों के बारे में। बात मेरी हो, गलत मैं कर रही हूँ, बात मेरी घर की निकल आए, मतलब आई डोंट गेट इट। ऐसे तरीका नहीं होता ये।
जो कड़वी बात करता है ना वही दोस्त होता है। ये सब तुम्हें शेरी भाई सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ना? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करता। अब तुम बिला वजह क्यों उसको जज करती हो? प्यार करता है मुझसे, केयर करता है मेरी। तुम्हारा ये गोशा या आफियत ना तुम्हें क्रिपल कर रहा है, एम्पावर नहीं कर रहा। क्यों तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? हर इंसान जो शादी से पहले तुम्हारा दोस्त था ना, अब तुम्हारा दुश्मन नहीं हो गया? वो जो कर रहा है ना, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ठीक है? और तुम ना प्लीज अपने फलसफे अपने पास रखो। तुमने तो हर उस इंसान को सपोर्ट करना है जो शेरी के खिलाफ हो, है ना? गॉड, ऐसा भी कुछ नहीं कहा मैंने। तुम्हारे बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया, ना मेरे हाथ से खा रहे हैं ना पी रहे हैं। इसको क्या हुआ रमजा? पता नहीं, ऑफिस में बॉस परेशान करे और गुस्सा सारा मुझ पे उतारा जाता है। क्या बात है बेटा? वाह, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरी सारी मेहनत पे कब्जा हो गया है। तो कहा था ना कि आ जाती तुम, तुम्हें अंदाजा है कि बाबा कितने अपसेट है। ना वो कुछ ठीक से खा पी रहे हैं मामा के हाथ से, ना ठीक से इनसे बात कर रहे हैं, ना वो इस घर में रहने पे तैयार हैं। आई डोंट नो सब कैसे मैनेज होगा। एक बात कहूं अलीजे, ये सारे मसाइल तुम्हारे अपने पैदा किए हुए हैं। देखो, तुम्हारी इतने बड़े घराने में शादी हुई है और एक औरत की पहली जिम्मेदारी उसका घर होता है। तुम एक मामूली सी जॉब को लेके सर पकड़े बैठी हो। वहां मेरी जॉब मामूली जरूर है, लेकिन ये मुझे मुकम्मल करती है। मुझे तो कभी जरूरत महसूस नहीं हुई तकमील की। माँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि सेल्फ सफिशिएंट होने का क्या मतलब है। और मुझे आपकी तरह पापा के सामने छोटी छोटी चीजों के लिए हाथ नहीं मिलाना पड़ता। शाबाश है तुम्हारी सोच पे अलीजे। वैसे तुम्हारे अब्बा ने ना घर के बाहर की जिम्मेदारी संभाली थी और मैंने घर के अंदर की। मैंने जो कुर्बानी दी ना तुम लोगों की परवरिश के लिए दी, लगता है सब जाया गई है। माँ, वो जाया तब होगी जब मैं घर बैठूंगी ना। प्लीज माँ, मैं आगे बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद कंफ्यूज ना करें। पता नहीं मैंने कहाँ गलती की है, मेरी तो कोई जगह ही नहीं बन रही। सोचा था बेटी है, दुख सुख कहूंगी, लेकिन माँ मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बताएं क्या बात है? बस मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। माँ, तुमने जरा सोच समझ के बात किया करो। मुझे पता भी है मामा पहले ही अपसेट थी बाबा की वजह से। मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी परेशानी में माँ को नाराज नहीं करना चाहिए था। एज अ हाउसवाइफ वो ठीक ही तो कह रही है, उनके पास तो उतना भी नहीं था जितना मेरे पास है आज। तुम ना सिर्फ अपनी शिनाख्त को मिटाना चाहती हो क्योंकि शेरी भाई ने। यार बस, ये शेरी 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 बात मेरी हो रही है, मेरे बॉस की हो रही है, तुम शेरी पे पहुंच रही हो। मुझे समझ नहीं आती व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद शेरी। हर चीज में तुमने शेरी को नेगेटिव पोर्ट्रे करना है। व्हाई आर यू सो नेगेटिव अबाउट हिम? आई एम नॉट गेटिंग यू। बाबा, वो आपने मुझे परसों बुलाया था, असल में मुझे आपसे नहीं आपके शौहर से बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि हम ये एहसान क्यों कर उतारेंगे
और ये एहसान करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई थी। अगर शरीर ने आप पे एहसान नहीं किया, जो हालात थे उसको जो ठीक लगा उसने वो किया। स्पेशली आपकी तबीयत देख के, माँ का खौफ देख के, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रमजा की हिफाजत के लिए, आप ही तो कहते हैं एहसान का बदला एहसान है। मैं ये नहीं कह रही आप और मैं शरी का एहसान उतारे, हम उतार नहीं सकते। कहना पहले एहसान नहीं उतार सकते, फिर तो उससे बुरा भला तो मैं कहूँगा। जानती हो ना तुम असूल से हट रही हो, मुझे बताना चाहिए था कि मेरा घर बेचा जा रहा है, पूछना चाहिए था। पापा जब आग लगी होगा तो असूल नहीं देखे जाते, बस ये देखा जाता है कि इंसानी जान को कैसे बचाया जाए। इससे बात करना बेकार है, अब मैं उसी से बात करूंगा। ठीक है पापा। तुम्हारी माँ ने मुझसे गलत बयानी की, शरी ने मुझसे छुपाया। माँ से बिला वजह नाराज मत हो, उनका कोई कसूर नहीं है। वो रात को स्लीपिंग पिल्स लेती हैं कि उन्हें अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, उन्होंने तो सेल स्टेट भी नहीं पढ़ी थी। और शरी ने आपके पैसों से तो कुछ नहीं लेना बल्कि अपने पैसे लगाए हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी गैर का माल, और तमाम गैर होता है। तुम नहीं समझ सकती, जा जा, वंदी हो गया। आपके दिन अब गुस्सा ठीक नहीं है। तो जाओ जाओ जाओ, इसको को लीजे क्या हो गया है? बस रमजू, मैंने देख ली है तुम्हें भी और बाबा को भी। मुझे मजीद लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। मत जाओ ना घर, अभी कुछ खा लो। ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर वो है जहाँ इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरा ससुर और मेरा शौहर मेरी कदर करते हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी गैर का माल, और तमाम गैर होता। समझ नहीं समझ सकते, जा जा, वंदी हो। इनमें से किसी को भी मेरा एहसास नहीं है। बेचारा शेरी इतना कुछ करने के बाद भी बुरा बंद है, क्योंकि मैंने मौका दिया है इन सब कुछ के खिलाफ बोलने का। इसकी शिकायतें कर करके मियां बीवी तो एक दूसरे की चादर होते हैं ना, उफ अल्लाह मैं कितनी बड़ी मेहमक हूँ। मुझे माँ की बात समझ आनी चाहिए थी। हेलो हेलो लीजे, क्या हाल है? तुम बहुत याद आ रही हो मुझे। रियली? हाँ, पता नहीं क्यों आज बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, हाउ वाज योर डे? बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम कहीं बाहर मिल सकते हैं शेरी? हाँ श्योर, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। कहाँ पर हो?
आई थिंक आई लव यू। आई नो इट्स सो स्टुपिड ना, सो नॉट मी। फिर भी किसी को राइट नहीं पहुंचता कि वो तुम्हें रोना। आई विल हैंडल इट। शेरी, हाउ कैन पीपल बी सो मीन? ऑफ इनफ या। सीरियसली, यू कांट बी दिस सिली। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करो। अच्छा सुनो, वो कल तुम्हारे बाबा को मिलने जाओ। मगर क्यों शेरी? He's not feeling well, nicely. बहुत अच्छे हो शेरी, बहुत अच्छे, too good to be true. I know, right? Listen now. I think it's time. Should have a baby. तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा ना कि तुम इसकी बात पे उसकी बात पे रोना शुरू कर दो, वो तुम्हें थका देगा। या लड़की भी हो सकती है या ट्विंस। हाँ वैसे ट्विंस हो सकते हैं क्योंकि वो माम की साइड पे ना हर फैमिली में ट्विंस ही हैं। No way. Yes, yes way. बल्कि yes and yes. I think we're getting along, right? ऐसी बात करती थी ना तुम्हारी नतालिया। तुम्हारी बन जाती उससे। Really? इसे चैलेंज ना करो। गुनगाएंगे बल खाएंगे प्यार भरे सपने। तुम आई हो ना मेरी जिंदगी में। It's like मेरे ऊपर से बोझ उठ गया। क्या करती हो? We can dance. अगर आपका बेटा होता तब भी आप यही बात करते? मैं भी आपका बेटा ही हूं और जो कुछ किया आपने फर्ज समझ के किया, ये एहसान वेहसान कुछ भी नहीं होता। मेरा अपना बेटा तो नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दो बेहद प्यारी रहमतों से नवाजा है जिसके लिए मैं उसका शुक्र गुजार हूँ। अलीज़े भी बिल्कुल आप जैसी। खैर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने मेरा घर बेचने में बहुत जल्दबाजी कर दी। मैं चाहता हूँ कि उसके डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दा दें ताकि मैं बैंक के पास जाऊँ, उनसे पूछूँ कि जिस कीमत पर मैंने घर अपना बेचा है उसमें कोई और घर अवेलेबल है या नहीं। लेकिन अंकल वो इस कीमत में तो इसी तरह के अनसेफ इलाके में ही घर मिलेगा। मियाँ अभी मैं जिंदा हूँ और जिस तरह के अनसेफ इलाकों की आप बात कर रहे हैं उसी तरह के इलाकों में मैं पाल पोस के मैंने अपने बच्चियों को बड़ा किया है, आगे भी देख लूंगा जैसे आपकी मर्जी। वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आंटी के पास हैं लेकिन जो मेरे पास पड़े हैं वो भी मैं लेता हूँ। चलता हूँ। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी खुद ही। हर दफा आर्ग्यूमेंट करना जरूरी होता है क्या? जा रहा हूँ उस तरफ, छोड़ देता हूँ। अच्छा अंकल चलो। ये देखे जरा। ठीक है डियर रमजा, जब हम तुम्हारे घर आए थे तो तुम घर पर नहीं थी, सिर्फ तुम्हारे बाबा से मुलाकात हुई थी। उम्मीद है तुमसे भी जल्द किसी दिन मुलाकात होगी। रहा आंटी से सॉरी कह देना, वो कुछ ज्यादा ही डर गई। जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला। मामा क्या हुआ? एहतिशाम क्या हुआ? ये देखे जरा। ठीक है
डियर रमजा, जब हम तुम्हारे घर आए थे तो तुम घर पर नहीं थी, सिर्फ तुम्हारे बाबा से मुलाकात हुई थी। उम्मीद है तुमसे भी जल्द किसी दिन मुलाकात होगी। रहा आंटी से सॉरी कह देना, वो कुछ ज्यादा ही डर गई। ये मिला कहाँ है तुम्हें? मेरे बैग से निकला था, उसे ना मेरे बैग में यूनिवर्सिटी में डाल दिया होगा। अब क्या होगा, वो तो यूनिवर्सिटी पहुंच गई इसके पीछे। तुम ठीक हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तुमने उनमें से किसी को देखा था? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता, किसी को नहीं देखा हमने। पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी फौरन। नहीं नहीं प्लीज, पुलिस में कोई नहीं जाएगा, लड़की का मामला है, बदनाम हो जाएगी वो। एहतशाम, आप चाहते हैं पुलिस हमारे घर आए? क्या करूं, उनों से डर के घर बैठ जा? नहीं, आप सीना तान के उनके सामने खड़े हो जाए ताकि मुझे बेवा और इसको यतीम कर दे। आपने सोचा है वो रमजा के साथ क्या करेंगे? शुक्र है उस दिन ये घर नहीं थी मेरी बच्ची। क्या तुम घर आ सकती हो? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या हुआ, सब खैरियत? नहीं, वो बस रमजा के बाद मिस कॉल थे। तुम्हारे अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, कल जाऊंगी तो पता कर लूंगी। कल क्यों, आज ही चलते। शहरी प्लीज, तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? जिस तरह हम घर की बात पे नाराज हो रहे हैं, I mean, what's the need? हाँ, यानी तुम अपने घर वालों से भी उसी तरह नाराज हो जाती हो जिस तरह मुझसे होती। चलो चलो अभी चलते। शहरी नहीं रहने। चलो चलो चलो, उठो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? उस दिन जो डाकू आए थे ना, उन्होंने एक चिट मेरे बैग में डाल दी। चिट? कौन सी चिट? दिखाओ मुझे। कौन कौन है? तो गुंडा कर दिया यार, मस्ट कंप्लेन टू द पुलिस। दिखाओ मुझे जरा। दिस इज टेरिबल, यहां तक भी पहुंच गए ये लोग। डोंट वरी, मेरे पुलिस में दोस्त है, मैं पता कराता हूं इसमें। अंकल इफ यू डोंट माइंड, दैट इज नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगे? नहीं दरअसल लास्ट टाइम भी जब व्हेन आई टुक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड आपको बुरा लगा था। अब बार बार आपको खफा तो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। नहीं बेटा, अब जो भी है ना, तुम ही इस घर के बड़े बेटे हो। थैंक यू आंटी, आई नो आप ऐसा सोचते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है अंकल ज़्यादा ऐसा नहीं सोचते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो कर सकते हो कर लो प्लीज। डोंट वरी, आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, आई विल। देखें ये घर तो सिक्योर है, सेफ है, यहाँ कोई नहीं आपको कुछ कह सकता। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी जाने वाली बात है, तो तुम आज के बाद ड्राइवर और आंटी के साथ सिर्फ जाओगी, विद नो वन एल्स। मैं देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है कि आप लोगों को धमका सके इस तरह। तुम लोग आज रात यहीं पर ठहर सकते हो? ऑफ कोर्स अंकल, व्हाई नॉट, आई'ड बी हैप्पी टू। मैं वो ड्राइवर को कहता हूँ कि कपड़े वगैरह ले आया घर से। एक्सक्यूज मी। अब आपको पता चला
मैं क्यों हमेशा कहती थी शेरी बहुत अच्छा लड़का है। हम बहुत खुशकिस्मत है एहतशाम साहब। देखिए हमारे एक दफ़ा कहने पे वो अपना सब आराम छोड़ के यहाँ रुक गया। बगैर कहे दिल की बात समझ आता है वो। हमारा बेटा नहीं है मगर उसने ये कमी भी पूरी कर दी। हर बात कितनी जिम्मेदारी से सुनता है, ना सिर्फ सुनता है बल्कि निभाता भी है। आप अब भी खफा हैं मेरे यहाँ रुकने के फैसले को लेकर? आज एहसास हो रहा है कि मैं जवान बेटा होना कितना जरूरी है। शायद बूढ़ा हो गया हो, बेटियों की हिफाजत करने से कासिर हूं। किन दामाद दामाद होता है, बेटा नहीं होता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शाम? आप भी तो मेरे अम्मा अब्बा का कितना ख्याल रखते थे। बेटा होने का हक अदा किया था आपने, फिर आज ऐसी क्या बात हो गई है? शुक्रता मैं पिछले 25 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। बच्चों की आंखों में देख के पहचान जाता हूं कि कौन कैसा है। आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया शेरी की आंखों में? लग रहा जैसे आपकी आंखों में मोतिया उतर आया, आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जो सामने है प्लीज उसको देखें, उसकी कदर करें। हाँ कहाँ हो, कितनी देर में पहुंचे? अच्छा जल्दी आओ। थैंक यू। बस वो ड्राइवर आ रहा है रास्ते। शेरी मैं बाबा की बात क्यों मान रही? आई नो तुम यहाँ अनकंफर्टेबल होते हो, तुम तो अपने रिश्ते के अलावा कहीं नहीं आती। वो सिर्फ बाबा को एक मुंह लगाने के लिए हाँ करती। क्यों? मैं सिर्फ उनको यकीन नहीं बल्कि खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक श्योर कि जिस जगह पे उनको लेके आए हैं वो महफूज है। देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके आए उनको यहाँ पर। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर ऑफ थिंग्स। थैंक यू शेरी, मैं हमेशा तुम्हें उसके बैक में डालते थे। सॉरी फॉर यू माय डियर, आई कैन डू एनीथिंग। सुबह जरा जल्दी उठ जाना, शेरी हमारी वजह से इधर ही रुक गया। ऐसे करना उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बना लेना। कुछ नहीं तैयार व्यार करने वाली मैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये नोट मेरे बैग में किसने डाला जबकि बैग सारा टाइम मेरे पास ही था। उसे सच बताऊं, आखिरी बार वो बैग मैंने जहाँ छोड़ा था ना वो शेरी भाई की गाड़ी थी, जहाँ से मैं निकल के आपके पास आई थी पैसे लेने और वापस चली गई थी। मुझे ऐसे लग रहा है कि शेरी भाई ने ना खुद को सही साबित करने के लिए ये नोट मेरे बैग में डाल दिया। किस कदर बेशरम हो तुम, तुम्हारी पहनोई है वो और तुम उस पे शक कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में तो शैतान बैठा है शैतान। क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं कुछ भी नहीं बेटा, शेरी सो गया। क्या कह रही हो तुम बोलो। अंडा के बाद तुमने शेरी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक कहती है, तुम्हारे दिमाग में शैतान भर चुका है। बेटा कोई बात नहीं, बहन है तुम्हारी छोटी, ऐसी होती है छोटी बहनें। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, अब और नहीं। अलीज़े
उससे तो मेरी बहन पहचान ही नहीं जा रही थी, मुझे खुलूस पे शक है नहीं कि वो। रमजा, मैं क्या कर सकता हूँ रमजा? क्या करोगे तुम? कुछ कर भी नहीं सकते। तने बाबा से क्या कहा उसने, वे खामोश थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम शक कर रही, और क्या पता तुम्हें खतरा हो। देखो मेरी बात समझो, तुम्हारा मौकफ सख्त होता जा रहा है, और जब भी तुम किसी चीज़ के बारे में राय कायम कर लेती हो तो फिर अपने आप को गलत नहीं साबित होने दे। ये बात नहीं है, मैं सब जानती हूँ ना। उस दिन मेरा बैग सिर्फ मेरे पास था, एक ही क्लास थी, तुम भी नहीं आए हुए थे। किसी ने मेरे बैग की जिप खोली और अंदर नोट डाल दिया। मेरे बूढ़े मामा बाबा, उनकी हालत खराब हो गई थी एकदम से। मेरे बाबा जो अपनी खुददारी की वजह से शेरी भाई के सामने खड़े होने जा रहे थे, वो भी एकदम खामोश हो गए। अब ये लोग मुझे खतरे में जाहिर करेंगे और मेरी शादी करने में जल्दी करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दूंगा, मगर तुम इनकार मत कर देना, तुम्हारा कुछ नहीं पता। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया। मैं जानता हूँ तुमने कहानी मुझे इसीलिए सुनाई। तो मारूंगी ना तुम्हें, जान से मार दूंगी। शादी से पहले मार दो। कितनी सीरियस हो, तुम्हें मजाक की पड़ी हुई है। मैं भी सीरियस ही हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अभी तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दूँ, फिर रुला देने वाली स्टोरी जो सुना देगा। क्या वो ऑफिस नहीं गई आज? नहीं पापा, वो शायरी ने मना कर दिया था, मैं नहीं गई। क्या मतलब है कोई? बेटा एक काम है, कोई खेल थोड़ी है, उनका काम है, आपकी मुलाजमत है। बाबा मेरी कोई भी ओपिनियन की वहाँ वैल्यू तो है नहीं, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, चाय पीने जाऊँ? आपके लिए दलिया बनाऊं कि आप यही खा लेंगे? नहीं मैं खा लूंगा। आज शहरी है ना घर में, तो मैंने सोचा हलवा पूरी बना दें। शुक्र है काम करने वाली आई है, वैसे एलिजा ने मेरी बहुत हेल्प करा दी। प्लीज मुझे आप ये बातें ना बताएं, आपको उसे जाने देना चाहिए था काम पे, ये अच्छा तो नहीं है। बात सुने, अब हमने लड़की ब्याह दी है, अब वो जाने और उसका शौहर, हमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं हम क्यों ना बोले? देखिए हीरे जैसा दामाद है, खुश रहे दोनों। तो हमारी अपनी बेटी हीरे से ज्यादा कीमती है, बड़ी मेहनत से उसे बड़ा किया है, और इस तरह सब कुछ बेकार नहीं जा सकता। आपकी ये बातें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जो बात गलत है हमें उसे बतानी पड़ेगी। She just losing herself to this stupid ideology. और जब मैंने एमए छोड़ा क्योंकि अलीजे आने वाली थी, उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि पढ़ाई करो। वाह भाई क्या बात है। सिचुएशन और थी शोफ्ता। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक तरह से सोए? जी बैठो बैठो। थैंक यू थैंक यू। तुम घर में थे ना तो मैं इतना अच्छा सोई, वरना रात में 10 बार उठती हूँ। वो दवाइयों का असर होता है ना, घोड़े बेच के सोती हूँ। तुम शुरू करो। अच्छा ये लो बेटा। लीजिए तो आज। हेलो डियर। ये तो तुम्हारे बगैर कुछ खाता ही नहीं है। ये लो बेटा, चाय करो। थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त, बहुत मजे का लग रहा है। ये लो, ये खास मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाई है, खा के बताओ मुझे। थैंक यू। लुक्स ग्रेट। होप इट टेस्ट ग्रेट टू। कैसा है? घर में बनाए? हाँ बिल्कुल। अनबिलीवेबल। अच्छा जब हम बाहर भी होते हैं ना किसी रेस्टोरेंट पे, तो मैं लीजिए को यही कह रहा होता हूँ, आंटी के हाथ का खाना मिस कर रहा हूँ। You're a goddess when it comes to food. Thank you बेटा, thank you. अरे तुमने ले ली? पूरी का बैठा है। ये लो ये लो, मैं दे देता हूँ। अरे छोटे ना भाई, आधी आधी कर लेंगे। वैसे रमजा को लेना है 12 बजे। उधर गया। कोई बात नहीं, वो ड्राइवर को भेज देंगे, वो ले आएगा। नहीं लेकिन खामखा इस तरह परेशानी हो जाएगी ना ये। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं हूँ ना, I'll handle it, मैं कोऑर्डिनेट भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मा सो गुड आई स्वेयर।
अरे देख के जरा अच्छे से, देखो तुम्हारा कपड़ा कितना गंदा है और गाड़ी मेरी बिल्कुल नई है, अच्छे से चमका दो। हाँ, और यहाँ भी ये देखो, ये भी गाड़ी का हिस्सा है ना। शाबाश, जबरदस्त। तो सॉरी यार, तुमने माइंड तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर, ये तो उस जात की मेहरबानी है और बॉस की। हाँ शाबाश। हाँ ये पीछे से साफ करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है ना? बल्कि आप एक काम करें, आप दो कपड़े रख लें, एक कपड़ा जो है वो बॉडी के लिए रखें और एक साफ कपड़ा शीशु के लिए, ठीक है ना? जी सर। मैम आप यहाँ पार्किंग एक है ना मेरा, तो मैं प्लेन पे तो आती नहीं हूँ, तो मैं यहीं आऊंगी। मैम प्लेन भी आ जाएगा आपका, आप जैसे को तो सब मिल जाता है। कौन नवाजते जी, बता दीजिए, हम भी वहाँ जाके नौकरी कर लेते। बाय द वे, मुझे देखिए इतना सरप्राइज क्यों है? मैम मैं एक्चुअली आपको एक्सपेक्ट कर रहा था। गाड़ी पार्क करो बेटा। और आपको पता है कि नई गाड़ी है, मेरा भी दूसरा दिन ही है पार्किंग में, पहले तो मैं ऑफिस की वैन में ही आता था। ओके Congratulations. Thank you, Matt. Driver kidhar reh gaya? Let me call him. Madam Phoon. Aap zara pani le aaye. Ji bhai kidhar hain aap? Haan, jahan utara tha wahi hai. Aa jao. हेलो हेलो, क्लास जल्दी ख़त्म हो गई है? एक ही क्लास थी आज। एक ही क्लास होती है तब भी अमर आता है? क्यों, तुम सब जानती हो? मुझे सब पता होना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऐसे मिलने से बाबा एम्बैरस होते हैं। और तुम मुझे हमेशा कहती हो कि तुम्हारा बैग तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे साथ तो हर वक्त अमर भी होता है, क्या पता वो नोट उसने डाला। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, तुम उसको जानती हो लेकिन अपनी बहनोई पर शक कर सकती हो। अंधी तो तुम भी हो रमजा। ये किस तरह से मुझसे बात कर रही हो, मुझसे तुम पहचान में नहीं आ रही लीजे। हाँ क्यों आऊंगी मैं पहचान में, तुम्हारे मतलब की बात जो नहीं कर रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी कंपेटिटिव हो सकती हो। मुझे तो मुझे बहन को ऐसे कह रही हो, आई कैन बिलीव। क्यों रमजा, कौन हो तुम? क्या तुम हर कमजोरी हर गलती से पाक हो, फरिश्ता हो क्या? चले दीदी। जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला।